हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आप सभी के जो है बीएड करना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों के पास जो है क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है बीएड को लेकर के। स्पेशली हम बात कर रहे हैं 1 ईयर के बीएड के बारे में। जब से 2020 एनईपी आया है, उसके बाद से आप लोग सब चाहते हो कि 1 ईयर का बीएड जल्द से जल्द लागू हो। तो आज हम लोग जो है 1 ईयर के बीएड के बारे में जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, जो आपके दिमाग में आ रहे हैं, वो सभी इसमें क्लियर करेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी से होगा, एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए, कौन से लोग जो है ये 1 ईयर का बीएड कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों का डिस्कशन आज इस वीडियो में डिटेल से हम करेंगे, तो आप लोगों के सारे कन्फ्यूजन जो है यहीं से दूर हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड के जो है पेड क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो अवध यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी, सीसीएस यूनिवर्सिटी एंड बिहार की यूनिवर्सिटीज़ के पेड क्लासेस चलाए जा रहे हैं, तो जो नंबर दिया गया है वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आइए देखते हैं भाई कि 1 ईयर के बीएड के बारे में आप लोग के कन्फ्यूज़न क्या क्या है। देखो, सबसे पहला जो आप लोगों का कन्फ्यूज़न ये है, पहला क्वेश्चन आपके माइंड में यही आता है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। मतलब आप लोगों में से अगर आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, या कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि ये फॉर्म फिल कर पाएंगे। मैं ऐसे आप लोगों को बता दूं कि जो अप्लाई करने का ये है, वो करने के लिए जो है वो मास्टर डिग्री वाले जिन्होंने पीजी किया है वो कर सकते हैं, एंड इंटीग्रेटेड कोर्स जिन्होंने बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स के थ्रू किया है वो कर सकते हैं। ये चीज़ें जो हैं हम थोड़ा सा अपने एनईपी के द्वारा भी समझ लेते हैं, जो एनईपी 2020 एनईपी पूरा डेटा जो निकला था उसमें भी दिया गया है। तो आइए मैं पहले आप लोगों को जो है एनईपी का दिखा दूं कि एनईपी के अकॉर्डिंग क्या बोलता है कि कौन से लोग जो है बीएड कर पाएंगे। ये है एनईपी, अप्रोच टू टीचर एजुकेशन एनईपी 2020 में आप जा करके देखोगे तो ये चीज़ें जो है आपको मिल जाएंगी। चाहो तो आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हो ये सभी चीज़ें। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो बात हुई है, यहाँ पे बात आप देखोगे तो 4 साल के इंटीग्रेटेड बीएड के बारे में बात हुई है कि बीएड आप 3 तरह का होगा। एक तो 4 साल का बीएड होगा, दूसरा जो है 2 साल का बीएड जो कि अभी चल ही रहा है, कंटिन्यू है ये, और हमारा तीसरा जो होगा ये 1 ईयर का बीएड होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियर आप देखोगे तो यहाँ पे बताया गया है कि दीज बीएड प्रोग्राम्स में ऑल्सो बी सुटेबल एडेप्टेड एज 1 ईयर बीएड प्रोग्राम्स एंड विल बी ऑफर्ड ओनली टू दोज हु हैव कंप्लीटेड। कौन कौन से लोग कर पाएंगे? इक्विवेलेंट ऑफ 4 ईयर्स मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर्स डिग्री, ठीक है, जिनको 4 ईयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स जिन्होंने किया होगा, जो ग्रेजुएशन और बीएड साथ में कंबाइन करके करते हैं, और साथ ही साथ जो है ये 12th के बाद किया जाता है वो कर सकते हैं। या और यहाँ पे देखो दिया हुआ है, और हु हैव ऑप्टेंड अ मास्टर्स डिग्री इन स्पेशलिटी, मतलब जिन्होंने जो है मास्टर डिग्री कंप्लीट की है वो। तो ये आप लोग को एनईपी में ही क्लियरली बोला गया है, तो इंटीग्रेटेड कोर्स वाले और आप लोग मास्टर जिन्होंने किया है, जिन्होंने पीजी कंप्लीट कर ली है, ये 1 ईयर की जो कोर्स है बीएड का वो कर पाएंगे। क्लियर है यहाँ पे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें। अभी हम ये देख लेते हैं कि ये जो 1 ईयर के बीएड आपने कंप्लीट कर लिया है, इसमें और भी जो आप लोग के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको हम देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आप लोग ये पूछते हो कि ये 1 ईयर के बीएड के फायदे क्या हैं, मतलब कि क्या ये 2 ईयर्स के बीएड या फिर 4 ईयर्स के बीएड के बराबर होगा, या इसकी मान्यता कम होगी, या इसके फायदे कम होंगे, या इसके लाभ कम होंगे। ये जो सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों का दिमाग में उठता ही है कि भाई 1 साल का बीएड और 4 साल के बीएड का क्या दोनों में डिफरेंस होगा, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सेम फायदा है, सेम आप लोगों का जो है 2 ईयर्स की तरह ही जो है इसका भी इक्विवेलेंट रहेगा, कोई इसमें अंतर नहीं मिलेगा। चाहे 2 साल का बीएड करो, 4 साल का बीएड करो, या 1 साल का बीएड करो, जो मान्यता होगी वो सेम रहेगी, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। अगर वैकेंसीज कहीं भी निकलती है तो 2 साल का बीएड, 4 साल का बीएड और आपके 1 साल के बीएड, तीनों के लिए सेम चीजें रहेंगी, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन दूर, कोई दिक्कत नहीं है 1 ईयर के बीएड को करने के लिए। फिर आप लोग का क्वेश्चन आता है कि मैम एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा। तो देखो, जिस तरह से जो है 2 ईयर्स के बीएड के लिए एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है
उसी तरह से जो है इसमें भी आपका एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जो है आपका सिलेक्शन होगा, एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा, जिसको जितने मार्क्स आएंगे, जिस तरह से जो एक मेरिट बनता है वो बनेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेजेस जो है अलॉट किए जाएंगे। तो ये हमारा है कि एडमिशन प्रोसेस जो है आपके एंट्रेंस के बाद कॉलेजेस अलॉट किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू जो आप लोगों के परफॉर्मेंस रहेंगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि मिनिमम मार्क्स कितना चाहिए। जैसे हमने बात किया कि पीजी के बाद कर सकते हो, मास्टर के बाद कर सकते हो, तो मिनिमम मार्क्स क्या चाहिए, कितने मार्क्स में जो है आप लोग ये कर सकते हो। जैसे दो साल के बीएड के लिए आप लोग का मिनिमम मार्क्स पता है ना 50% चाहिए होता है, तो इसमें कितना चाहिए, तो मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगी कि कितना चाहिए इसमें। मिनिमम मार्क्स पीजी आपने जो मास्टर जिसको हम बोलते हैं, अगर मास्टर आपने किया है तो आप लोगों को जो है 55% चाहिए। कितना चाहिए भाई? 55% परसेंटेज आपका 55 किया गया है। जैसे ग्रेजुएशन में 50 रहता है तो इसमें 55 चाहिए। और इंटीग्रेटेड कोर्स का भी वही हाल है। इंटीग्रेटेड कोर्स अगर आप लोग कर रहे हो, मतलब 4 साल का बीएड कर रहे हो, तो उसका भी यही है। तो ये आप लोगों के जो है परसेंटेज को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। तो देखो ये क्योंकि NEP 2020 इस साल से लागू किया गया है, 26 जनवरी से लागू हुआ है, तो अभी इसमें सभी जो बोलते हैं कि कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज इसमें आगे नहीं आ रही है, लेकिन एक यूनिवर्सिटी आगे आई है जो है LU। क्या है? LU, लखनऊ यूनिवर्सिटी। लखनऊ यूनिवर्सिटी UP ने जो है क्लियर किया है कि वहां से जो है इस बार 1 ईयर के BA चलाए जाएंगे, करिकुलम सब कुछ रेडी हो चुका है और वहां से हो सकता है। अब बात है कि और कोई यूनिवर्सिटी करेगी तो बिल्कुल करेगी, बट अभी तक अनाउंसमेंट जो है किसी और यूनिवर्सिटी ने नहीं किया है। फिलहाल अनाउंसमेंट सिर्फ और सिर्फ लखनऊ यूनिवर्सिटी से आया है कि वो जो है इस 1 ईयर के BA को आगे कंटिन्यू करने वाली है इस साल से, यानी कि हमारे 2023 से जो है ये लागू करने वाली है 1 ईयर का BA। तो ये 1 ईयर के BA से रिलेटेड आप लोग के जितने कंफ्यूजन हैं, आई होप कि दूर हो गए होंगे। अब कोई भी क्वेरी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग जो है हमें इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।